जय हिंद दोस्तों, आज हम जमानिया में हैं। जमानिया गाजीपुर जिले का तहसील क्षेत्र है। आज हम एक ऐसे ब्रिज को दिखाएंगे जिसे बनने में 12 वर्ष का समय लगा। यह जमानिया धरमरपुर ब्रिज है। धरमरपुर करंडा ब्लॉक में पड़ता है। जमानिया से गाजीपुर जिला मुख्यालय जाने के दो संपर्क मार्ग हैं। पहला मार्ग जमानिया से वीर अब्दुल हमीद सेतु मार्ग द्वारा गाजीपुर जिला मुख्यालय जाया जा सकता है, जिसकी दूरी 27 किलोमीटर है। दूसरा मार्ग जमानिया से धरमरपुर करंडा होते हुए गाजीपुर जिला मुख्यालय जाया जा सकता है, जिसकी दूरी 36 किलोमीटर है। जिला गाजीपुर में गंगा पर बना यह तीसरा रोड ब्रिज है। गाजीपुर का पहला व पुराना रोड ब्रिज वीर अब्दुल हमीद सेतु है, जो गाजीपुर जिला मुख्यालय से गहमर, बारा, जमानिया, दिलदार नगर व बिहार राज्य को जोड़ता है। गाजीपुर का दूसरा गंगा ब्रिज सैदपुर तहसील क्षेत्र में है, जो सैदपुर को मुगलसराय, चंदौली जिले से जोड़ता है। तीसरा रोड ब्रिज जमानिया धरमरपुर गंगा ब्रिज है, जो जमानिया को गाजीपुर जिला मुख्यालय व करंडा, नंदगंज, सैदपुर, वाराणसी आदि क्षेत्रों को जोड़ता है। तो आइए इस ब्रिज की संपूर्ण जानकारी देते हैं। जनता की समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से सन 2006 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने जमानिया क्षेत्र को करंडा क्षेत्र से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पक्का पुल की आधारशिला रखी थी। निर्माण का दायित्व संभालने वाली उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम के हवाले से तब दावा किया गया था कि यह पुल महज 2.5 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी को करारी मात मिली और सत्ता गंवानी पड़ी। पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी सरकार ने स्कूल के निर्माण को 5 वर्ष तक प्राथमिकता में शामिल नहीं किया, जिससे सेतु का निर्माण 25% भी पूरा नहीं हो सका। सन 2012 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने। अखिलेश यादव जी ने अपने पिता का मान रखते हुए ऐलान कर दिया कि उनके पिता के हाथों उत्तर प्रदेश में जितने भी पुलों का शिलान्यास हुआ था, उन सभी पुलों को 1.5 वर्ष के अंदर बनवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी के 5 वर्षों के कार्यकाल में भी पुल का निर्माण कछुआ के गति से आगे बढ़ता रहा। 2017 में उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होता है, जिसमें समाजवादी पार्टी को करारी हार मिलती है। 14 वर्षों का वनवास काट रही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। सत्ता की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार को एक्शन वाली सरकार बताया। लोगों को पुल निर्माण की गति तेज होने की उम्मीद जगी। सरकार ने जनता के इस उम्मीद पर खरा उतरते हुए कछुआ के गति से हुए 35% निर्माण कार्य को चीते की चाल पकड़ा दिया। अप्रैल 2017 से निर्माण ने जोर पकड़ा तो महज 13 महीनों में ही जून 2018 तक करीब 1 किलोमीटर लंबा और 23 पिलरों वाला 2 लेन का पक्का पुल बनकर तैयार हो गया। हालांकि पुल बनकर तैयार होने के बाद भी पुल के दोनों तरफ अप्रोच मार्ग के अभाव में पुल अधर में लटका हुआ था।
पुल के अभाव में क्षेत्रीय लोग पीपा पुल व नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करते थे। एक दशक से अधिक समय तक निर्माण कार्य लंबित रहने के कारण पुल की लागत में इजाफा होता गया। शिलान्यास के समय पुल की अनुमानित लागत जहां 32 करोड़ रुपए थी, वहीं पुल निर्माण के पूरा होने तक लगभग 72 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। जमानिया तहसील मुख्यालय को धर्मरपुर करंडा से जोड़ने के लिए लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से गंगा नदी में यह पुल बनकर तैयार है। पुल का निर्माण होने में लगभग 12 वर्ष लग गए। इस पुल का उद्घाटन वर्ष 2019 में हुआ था। इस ब्रिज के बन जाने से करंडा क्षेत्र सहित गाजीपुर जिला मुख्यालय, नंदगंज, सैदपुर, जमानिया व बिहार राज्य से आने जाने में लोगों को लाभ मिलता है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें।